अस्सलाम वालेकुम, आप लोग कैसे हो? देखिए ईद के दिन कितना खुशहाली छाया हुआ है और चारों तरफ बच्चे खुश है। आप लोग देख सकते हो, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। तो गाइस, मैं जा रहा हूँ ईदगाह पे नमाज पढ़ने, दिखाता हूँ आप लोगों को नमाज की व्यू। I'm alone, I'm a broken home. I gave you all the bricks that I own and know. I'm letting go, I'm breaking these walls. Finally guys, मैं ईदगाह पे पहुंच गया हूँ। मैं दिखा देता हूँ आपको मेरे साइड सामने आ गया, सब पीछे कितना भीड़ है, मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ, दिखा रहा हूँ। देखिए आप लोग, बहुत सारे लोग जमा हो गए नमाज पढ़ने के लिए। और गाइस, मैं आप लोगों को एक और बात बताना चाहता हूँ, ये सब लोग हमारे बागा के नहीं है, ये बहुत दूर दूर से आते हैं। हमारे बागा पे बहुत बड़े ईदगाह है ना, तो इसीलिए नमाज पढ़ने के लिए बहुत दूर दूर से आते हैं। देखिए आप लोग, बहुत सारे लोग आते हैं इधर नमाज पढ़ने के लिए, अपने रब को याद करने के लिए आते हैं, रब को मनाने के लिए आते हैं। अल्लाह हमारी सब की नमाजों को अदा करे और कुर्बानी भी अदा करे, आमीन। और नमाज पढ़ के अभी जा रहा हूँ बाज़ार की ओर, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ आगे की ओर, आप लोग देखिए आगे के व्यू, और मेरे साथ आप लोग बने रहिए प्लीज़, देखिए। माशाल्लाह, एक और बात, आज इतना खूबसूरत मौसम है, कम से कम पिछले 2-3 दिन से लगातार बारिश हो रहा था, आज देखो ईद के टाइम, ईद के दिन बारिश नहीं है। ये खुदा का शुक्र है कि बारिश नहीं है, बहुत बढ़िया से बच्चे लोग बड़े सब घूम रहे हैं, अपने पापा को लेके मार्केट आए हुए और सामान भी खरीद रहे हैं लोग। देखिए कितना कितना खुश है सब लोग। आज तो बारिश नहीं आ रहा है पर धूप बहुत ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि धूप में भी चल रहा है, कोई बात नहीं, सब लोग खुशियाँ मना रहे हैं, चल रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं, गले मिला रहे हैं, तो बढ़िया है, बहुत बढ़िया। ये हमारे मस्जिद है, बहुत ही खूबसूरत होगा पूरा कंप्लीट होने के बाद। अभी सामने के साइड पेंट हुआ है, तो पूरा साइड जब पेंट हो जाएगा तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, बहुत खूबसूरत हो जाएगा। अभी फ़िलहाल देखिए हमारे यहाँ के मार्केट में कितने लोग हैं। थोड़ा सुबह में थोड़ा ज़्यादा थे, अभी थोड़ा कम है। दोस्तों, ब्लॉग तो आप लोग देखते हो, लाइक भी नहीं करते हो और शेयर भी नहीं करते हो। यार शेयर भी करो, लाइक करो, और मुझे कमेंट में बताओ मैं कैसे बनाऊँ या इसको कैसे थोड़ा चेंज करके बनाऊँ, ये सब आइडियाज़ दो यार, मुझे इतना आइडिया नहीं है कैसे बनाते, फिर भी बनाता हूँ मैं। यार थोड़ा सपोर्ट करो मुझे, प्लीज़ सपोर्ट करो और मुझे बताओ कैसे बनाना है।